السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قابل قدر علماء امت، اسٹیج پر جلوہ افروز، مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے عمائدین و رہنما، قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ تنگی کے ساتھ آسانی کو لاتا ہے، امتحانوں، آزمائشوں، مصیبتوں کے نتیجے میں وہ انعامات کی بارش بھی کرتا ہے. جب اللہ کے نام پر اللہ کو ماننے والے قربانیاں پیش کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی قربانیوں کے نتیجے میں انہیں قیادت و سیادت اور اپنی زمین کی خلافت، جس زمین کا وہ اکیلا مالک ہے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، اس زمین کا وارث بھی بناتا ہے اور قائد بھی بناتا ہے. چشمِ فلک یہ منظر کئی مرتبہ دیکھ چکا ہے کہ اللہ کی زمین پر کمزوروں کو عزت ملی، قیادت ملی، سیادت ملی ہے. حضراتِ گرامی، ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، جس میں تاج برطانیہ کی افواج نے ظلم و زیادتی کی نیت سے قدم رکھا اور افغانیوں کو غلام بنانے کی غرض سے افغانستان میں آئے، شکستوں پہ شکستیں کھائی، اور اس کے بعد ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی. ساری ان کی افواج مر گئی اور ایک معذور اور زخمی کرنل واپس پلٹا ہے. تو اس کے بعد تاج و تخت اچھل گئے اور برطانیہ، جو پوری دنیا کی تسخیر کا خواب دیکھ رہا تھا، میرے رب نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج وہ سمٹ کر اور سکڑ کر محدود جغرافیے میں آ گیا ہے. اور اس کے بعد رشیا آیا، وہ سرخ رینچ آیا، اور اس کے پیروکاروں نے اور اس کے چاہنے والوں نے ایشیا سرخ ہے کے نعرے لگائے، اور وہ رشیا بھی پاکستان پر، میرے وطن عزیز پر قبضے کا خواب دیکھ کے آیا تھا. اس کا ٹارگٹ پانی، گرم پانی تھا. گوادر و کراچی کے ساحل تھے جن پر قبضہ کرنے کی نیت سے اس نے افغانستان کا روٹ اور راستہ استعمال کیا. 10 سال تک ایڑیاں رگڑتا رہا، یہاں تک کہ شکستوں پہ شکستیں ہوئیں اور وہ روس
पर उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह उसकी जुग्राफियाई हैसियत जिहादे अफगानिस्तान से पहले थी। रशिया भी टूटा और उसके बाद फिर अमेरिका आया अपने इत्तेहादियों के साथ, आनो अंसार के साथ, यूरोप के साथ, असलहा के साथ, नाटो फोर्सेस के साथ, और वो असलहा लेके आया मगर जाते हुए असलहा छोड़ के भागा है। जब आया था तो मुनज्जम होके आया था, ग़ज़वे अहज़ाब की तरह इस जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन असफल मिनकुम। तो जब यहां से भागे हैं तो ये अकेले अकेले भागे हैं, जब आए थे तो मुनज्जम और मुत्तहिद होके आए थे। अल्लाह ने इनके इत्तेहाद को उसी तरह पारा पारा कर दिया जिस तरह ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर कुफार के लश्कर को तितर बितर कर दिया था। और उस वक्त तेज चलने वाली हवाएं और ना दिखाई देने वाले लश्कर जिस तरह अल्लाह के हबीब और सहाबा की मदद के लिए आए थे, फअरसलना अलैहिम रीहं वजुनूदन लम तरौहा, उसी तरह इस मौके पर भी आप देखिए अल्लाह ने अपने लश्करों के जरिए मदद की है, ताईद की है। मुनज्जम होके आए थे और बिखर बिखर के वापस गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। असलहा के साथ आए, असलहा छोड़ के भागे, मुनज्जम होके आए, मुंतशिर होके दौड़े और तकब्बुर और गुरूर के साथ आए थे, जलील और रुस्वा होके यहां से निकले। और अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, फरमाया वनुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तुदईफू फिल अर्ज़ी वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह ने मुस्तदाफीन की, कमजोरों की मदद की और नुसरत फरमाई, जिस तरह के बदर के अंदर, ग़ज़वे अहज़ाब के अंदर और दीगर मयादीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई थी। हजरात गरामी, ये अल्लाह की फितरत है, कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ा वल बातिल फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ा वअम्मा मा यनफ़ुन नास फयमकुसु फिल अर्ज़। तो जिस तरह झाग हवाओं से उड़ जाती है, इसी तरह इन कुफार के लश्कर भी उड़ उड़ के भाग भाग के गए हैं। अल्लाह ने इनको उड़ा दिया, बातिल का पुतलान और हक का इस बात अल्लाह ने पूरी दुनिया पर वाजे और आया कर दिया। लियुहिक्कल हक्का वयुबतिल बातिल, और हक का इस बात हो गया और बातिल का हशर आज दुनिया ने देख लिया है। जा अल हक्कु वज़ाकल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। हक्को ना कभी ज़िवाल है और ना ही कभी हक वो दबने के लिए आया है। हक को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बुलंदी के लिए, सरफराजी के लिए भेजा है। हजरात गरामी, जब ये फतह मिली है, अजीम फतह मिली है, इस फतह के बाद अब दुश्मना ने दीन और दुश्मना ने वतन, अब वो मुतहर्रिक और फ़ाल हो चुके हैं। अब मीडिया के जरिए, प्रोपेगंडा के जरिए वो तालिबान को भी बदनाम करना और पाकिस्तान को भी रुस्वा करने का ख्वाब देख रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, पैगाम पाकिस्तान वो क्या है? वो ये है कि आओ सब मिलकर
वतन अजीज पाकिस्तान जो कुर्बानियों के नतीजे में, इज्जतों के नतीजे में, चारों चादरों चार दीवारी का तकद्दस देकर हमने लिया है, और जिसके तहफ्फुज और बका के लिए आज भी हमारे इदारे, हमारी अफवाज के नौजवान कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आओ वतन अजीज पाकिस्तान की हम बढ़ चढ़ कर इज्जत व तकरीम करें, और इस बात का अहदो पैमा करें कि हम वतन अजीज पाकिस्तान के वफादार हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात-ए-गिरामी, पाकिस्तान जो इस वक्त आलमे कुफर की आंख का कांटा नहीं बल्कि कील है, ये पाकिस्तान उनको चुभ रहा है। ये पाकिस्तान और नजरिया पाकिस्तान उनको हजम नहीं हो रहा। इन हालात के अंदर जरूरत इस बात की है कि हम कमर बस्ता हो जाएं और इस रियासत की कदर करें, जिस रियासत में इबादत, इजहार ख्याल और इज्तमाआत की हमें मुकम्मल तौर पर आजादी है। हजरते गरामी, पैगाम पाकिस्तान क्या मतलब है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, इस मुल्क ने हमें आजादी दी है, लेकिन इस आजादी का मतलब ये नहीं कि हम मुल्क और मुल्की इदारों, अफराद और अफवाज पाकिस्तान को अपने निशाने पर रखें, या उनके खिलाफ हम प्रोपेगंडा करें, या हम आजादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि हम फिरका वराना फसादात को फरोग दें, या पाकिस्तान की नजरियाती और जुग्राफियाई हदूद को हम कमजोर करें। हजरात गिरामी, पैगाम पाकिस्तान क्या है? कि अकीदा खत्म नबूवत ये हमारे ईमान का मसला है, और इज्जत अहले बैत अतहार और तकरीम खुलफाए राशिदीन और इसी तरह सहाबा इकराम रिजवानुल्लाही अलैहिम अजमाइन की इज्जत और एहतराम, उसको हर सूरत लाजिम पकड़ना है। ये है पैगाम पाकिस्तान। और हजरात गिरामी, यहाँ पर उलमाए कराम भी मौजूद है, अगर ये हमने तकफीर का सिलसिला एक दूसरे पर कुफर लगाने के कुफर के फतवे अगर हमने इनकी रोकथाम न की, कुफर का सिलसिला खत्म ना हुआ, तो आलम कुफर और इसी तरह रियासत का दुश्मन वो अपने मिशन में कामयाब होगा और वो हमें नाकाम करने की कोशिश करेगा। पैगाम पाकिस्तान क्या है? कि गैर मुस्लिम बरादरियों को यहाँ पर इबादत की आजादी है, वो अपने मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन शायरुल्लाह कर पर कोई ना उंगली उठाएंगे न इसके खिलाफ कोई बात करेंगे। हजरात गिरामी, पैगाम पाकिस्तान यही है कि ये मुल्क हमारा है, इसका तहफ्फुज हमारे ऊपर लाजमी है। ये मुल्क है तो मिंबर और मेहराब और मस्जिद और मदरसा को भी तहफ्फुज है, और मिंबर और मेहराब के वारिस यहाँ पर बैठे हैं, ये इस्लाम की अमानत है। मिंबर और मेहराब और ये दीन इस्लाम की अमानत है जो उलमा और मशायख को अमीन समझ के दी गई है। इस मिंबर और मेहराब के जरिए इंशाअल्लाह हमने इस्लाम की अजमत और पाकिस्तान के तशख्खुस को उजागर करना है इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी, मीडिया खुसूसन सोशल मीडिया जो बेलगाम है, इसकी बेलगामी की वजह से सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लिखा भी जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोला भी जाता है। पाकिस्तान किसी महल्ले के एक लफंगे से लड़के का नाम नहीं है,
पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है और वो नजरिया आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ और इसी तरह अफवाज के खिलाफ, और मेरे मोहतरम भाइयों इसके साथ साथ दीगर इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगंडा किया जाता है, आज इस बात का अजम करो कि इंशाअल्लाह हमने उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, हम सब इस बात का अजम करें, इस बात का अजम करें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कवानीन का हमने तहफ्फुज करना है। ये जाता हुआ अमरीका, जख्मी अमरीका, जख्म चाटता हुआ अमरीका और नीम पागल अमरीका, अब उसकी चाहत ये है, चाहत उसकी ये है कि जनाब मुल्क के अंदर वो फिरका बराना फसादात को फरोग दे। अमरीका की और तमाम शिकस्त खुर्दा और जिवाल पजीर मुमालिक की कोशिश ये है कि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा ना हो सके। और आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस खित्ते की जितनी भी गंदगी थी और अमेरिका की कियादत में जो सारी गंदगी जमा होके आई थी, वो ज़र्बे जिहाद से अल्हम्दुलिल्लाह सारी साफ हो चुकी है। पाकिस्तान महफूज खड़ा है, मगर अजम इस बात का करना है कि हम भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, पाकिस्तान के नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह का इंशाअल्लाह तहफ्फुज करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ हर उठने वाली आवाज, हर बढ़ने वाला हाथ, हर गंदी और मैली आंख इंशाअल्लाह डट कर उसका मुकाबला करेंगे और वतन अजीज का नाम इंशाअल्लाह रोशन करेंगे। और ये नजरिया जो पाकिस्तान का है कि नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है, वो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगा और इस्लाम को और अहले इस्लाम को अल्लाह इज्जत देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, सयबलुगु हाज़ा दीन मा बलगल लैल वन्नहार, जहां जहां तक रात के अंधेरे और दिल के उजाले पहुंचते हैं वहां वहां तक दीन पहुंच के रहेगा। अपनी सफों में इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, पाकिस्तान से वफा की जरूरत है, नजरिए पाकिस्तान से मोहब्बत की जरूरत है, अपने मुहाफिज इदारों से प्यार की जरूरत है। तो मैं क्या तवक्को रख सकता हूं कि इंशाअल्लाह इस काम के लिए आप सब तैयार है? जरा खड़े हो के बोलो तैयार हो, परचम लहरा के बताओ तैयार हो, कायदीन जरा हाथों में हाथ डाल के बताएं, जरा खड़े हो के बताएं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तहफ्फुज, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम तैयार हैं। ये हमारा वतन है जो हमें अपनी जान से प्यारा है। ऐ वतन, तेरी अजमत को हमारा सलाम। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।